आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि नॉट दिस कंडीशन इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो किसी भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एक टेंजेंशियल फोर्स होगा, करेक्ट, या आप ऐसा बोलो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। और फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्स विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड वन विल बी रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा, वी स्क्वायर बाई आर। तो अलॉन्ग रेडियस फोर्स कितना लग रहा होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये जो एफ है, जो बेसिकली फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस एफ इज नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब हुआ अगर किसी ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो जो नेट फोर्स होगा ये होगा 6 न्यूटन का। तो यहाँ पर आपको नेट फोर्स ही कंसीडर करना है। ठीक है, तो चलो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अभी। ओके, तो अगर आपको कोई पूछे, चलो एक और चीज है यहाँ पर, यस एक चीज और इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई पूछे यहाँ पर कि बताओ मुझे यहाँ पे ए कितना होगा, ए नेट कितना होगा, तो ए नेट कितना हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ ए आर एंड ए टी, करेक्ट। तो ए नेट आपका हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही है बात, ए आर ए टी, इसका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी योर ए नेट। समझ में आई बात कि नहीं, अगर आपको जब समझ में आ गया तो बताओ जल्दी से। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रेडियल एक्सेलरेशन और एंड रेडियल एक्सेलरेशन एंड नेट फोर्स मेक्स मीन्स डैश डिग्रीज या मेक्स एन एंगल, मेक्स एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ठीक है, मेक्स, चलो पहला है एक्यूट एंगल, ऑब्टीज एंगल, थर्ड है राइट एंगल, फोर्थ है 0 डिग्री। बताओ दीजिए, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रेडियल एक्सेलरेशन और नेट फोर्स दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट या 0? इस डायग्राम को देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चों वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या? क्या यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? नो सर, नहीं चेंज हो रहा है, करेक्ट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पर, नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सर नहीं होगा, नहीं होगा नेट फोर्स, नेट फोर्स तो लगेगा ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, वो एक के अलोंग वेलोसिटी के नहीं। डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो नेट फोर्स कहाँ पे लगेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, सेंटर की तरफ रेडियस के सेंटर में अलोंग लगे, लगेगा ना, समझ रहे हो कि नहीं? अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि इवन दो इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर है, तो यहाँ पे दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं, टेंजेंशियल और रेडियल, करेक्ट करेक्ट, और इनके मैग्नीट्यूड आपको पता है एम वी स्क्वायर बाई आर और एम डी वी बाई डी टी। तो अब देखो होता है क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, दिस हैपेंस इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो ये वाला फोर्स लगेगा अलॉन्ग टेंजेंट और अलॉन्ग रेडियस लगेगा, ठीक है, अलॉन्ग टेंजेंट और अलॉन्ग रेडियस लगेंगे फोर्सेस। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो नेट फोर्स आएगा आपका, यहाँ पर जो नेट फोर्स आने वाला है दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये आपका आ जाएगा नेट फोर्स, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल नेट फोर्स इज लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पर ये एफ टी तो लग ही नहीं रहा है ना, ये तो लग ही नहीं रहा है यहाँ पर, ये फोर्स तो लग ही नहीं रहा है यहाँ पर, तो ये एफ नेट आएगा नहीं, तो एफ यहाँ पर क्या आएगा, केवल आपका
एफ आर लग रहा होगा, एफ आर दैट इज अलोंग रेडियस, तो यही आपका नेट फोर्स हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये आपका केवल एक ही फोर्स लगेगा विच विल बी एक्टिंग अलोंग द टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर, और ये क्या हो जाएगा, यही आपका नेट फोर्स रहेगा। और यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन भी सेम ही डायरेक्शन में लग रहा है ना, एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में लग रहा है, ए आर रेडियल है ना, रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो यही होगा ना, रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड लाइक दिस, ठीक है। तो रेडियल एक्सेलरेशन और नेट फोर्स दे आर इन सेम डायरेक्शन, समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई। यहाँ पे एफ और रेडियल एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इट विल बी हैविंग जीरो डिग्रीज। चलो लेट्स टेक वन मोर केस, एक और केस स्टडी करते हैं। तो ऐसा समझो एक एक कार है, ठीक है, आपकी कार दिख रही होगी यहाँ पे, तो यू कैन सी दिस कार इज टेकिंग अ टर्न ऑफ दिस रेडियस आर, ठीक। तो अब मुझे बताओ, जरा पहले तो बताओ मुझे इस कार में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, इफ आई मेक दिस कार, इस कार में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे बताओ जरा। बताओ ये कार का पीछे से हमें जो दिख रहा है ना वो वाला पार्ट, ये नंबर प्लेट है कार का, सब सब समझ लो। तो इस कार में बताओ बच्चों कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। यस, यहाँ पे फर्स्ट लेट मी टेल यू, यहाँ पे सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। मैं आपको भी बताऊंगा कब लगाते हैं सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, अभी तक मैंने तो आपको कुछ बताया नहीं सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। तो जैसे अगर आप देखो यहाँ पर एक mg का फोर्स लग रहा होगा, फोर्सेस में जो आपने पढ़ा है ना कौन फ्री बॉडी डायग्राम में, एक mg का फोर्स ऐसे लगेगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि नहीं सॉल्व किए, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। और बताओ और कोई फोर्स है जो लग सकता है इसमें, ठीक है। एनीवेज चलो देखो, अभी आपको आगे आपसे और पूछूंगा मैं। तो अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक तो mg का फोर्स लग रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, मालूम है ना mg का फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, नॉर्मल रिएक्शन जब दो चीजें एक दूसरे को प्रेस करती हैं, टेंशन फोर्स होता है ऑफ द स्ट्रिंग, करेक्ट, और फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज गिवन बाय, फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू एन, इफ यू रिमेंबर दैट ऑल दैट थिंग, करेक्ट। तो चलो एनीवेज, तो ये मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स होती है, करेक्ट। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखनी है, तो मैं लिख देता हूँ एफ मैक्स जो होता है, मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स जो लगती है वो कितनी होती है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शनल फोर्स की, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शनल फोर्स की। चलो तो बच्चों अब मुझे जरा यहाँ पर एक चीज बताओ, अगर इस कार को टर्न लेना है, ठीक है, तो ये mg होगा, ये n होगा, तो ठीक है ये तो मेरे y एक्सिस के अलोंग फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन ये जो कार टर्न ले रही होगी, ठीक है, दिस कार मस्ट बी टेकिंग अ टर्न हियर लाइक दिस, ऐसे कुछ तो कार ने टर्न लिया होगा, ठीक है। तो इसको बिकॉज अभी सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में आ गई ना, करेक्ट, ये सर्कुलर पाथ में आ गई, तो सर्कुलर पाथ में अगर कोई भी चीज चल रही होगी तो एक कंडीशन जो है वो तो हमेशा लगेगी कि इसमें वेलोसिटी के अलोंग, करेक्ट, इसको जो सर्कुलर पाथ दे रही होगी, सर्कुलर पाथ कैसे मिलेगा इस कार को, पहले तो ये सोचो आप, इस कार को सर्कुलर पाथ तभी मिलेगा जब जो इसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी को कौन से कलर से बनाऊं, चलो ब्लू से बना देता हूँ, तो जो इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर होगी, ठीक है, इस वेलोसिटी मतलब इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है पाथ में बना देता हूँ वेलोसिटी का डायरेक्शन में, तो इस पाथ पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा ना, ठीक है, इस और अगर मान लो ये सेंटर है, ठीक, ये सेंटर है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, फोर्स जो है ना एक रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ पे लगना चाहिए,
ये अगर वेलोसिटी है तुम्हारी तो ये क्या होना चाहिए यहाँ पर, एक रेडियल एक्सेलरेशन लगना चाहिए, करेक्ट, या फोर्स, यहाँ पर एक फोर्स लगना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर इसको सर्कुलर पाथ में जाना है तो इसमें रेडियल एक्सेलरेशन लगना चाहिए टुवर्ड्स सेंटर, या एक रेडियल फोर्स लगना चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर, समझ रहे हो, रेडियल फोर्स लगना चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर या फिर रेडियल एक्सेलरेशन लगना चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर, समझ में आ रही है बात कि नहीं, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। तो अब देखो, अब ये जो इसको इसको अगर टर्न लेना है तो इसको रेडियल फोर्स कौन देगा, या ए आर बोलो, एफ आर बोलो, एफ आर मतलब फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस, ठीक है। तो ये जो रेडियल फोर्स है कहाँ से मिलेगा इसको, इस कार को ये जो रेडियल फोर्स है कहाँ से मिलेगा, इस कार को ये जो रेडियल फोर्स है ये फ्रिक्शन से मिलेगा, ठीक है। तो हमें कोई ना कोई फोर्स ढूंढना है जो वहां पे लग रहा होगा जो कि उसको रेडियल फोर्स दे रहा होगा। तो अगर मैं इस कार का पाथ बनाऊं एक बार फिर से, तो अगर इस कार का पाथ ऐसे बनाता हूँ सर्कुलर पाथ, तो अभी कार की वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और यहाँ पर एक रेडियल फोर्स लगना चाहिए, यहाँ पर रेडियल फोर्स मतलब इट शुड बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, ठीक है कि नहीं बच्चों, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर ये रेडियल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, दिस इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तो एफ आर देखो कितना हो गया, एफ आर हो गया मेरा फ्रिक्शनल फोर्स, करेक्ट। और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग सकता है, अभी मैंने आपको बताया म्यू इनटू एम, करेक्ट, दिस कुड बी मैक्सिमम कुड बी म्यू इनटू एम, और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, एमजी के बराबर है। तो यहाँ पर हम ये इक्वेशन बना देंगे, एफ मैक्स इक्वल्स टू म्यू एम जी, जो कि है मेरा रेडियल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है, समझ में आ रही है बात, यहाँ पर रेडियल फोर्स लग रहा है म्यू एम जी का, ओके। और अब मैंने ऊपर आपको क्या बताया था, ये जो रेडियल फोर्स होता है किसके बराबर होता है, ये जो रेडियल फोर्स होता है ये एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है, ठीक है, मतलब ये नेट फोर्स है, दिस इज नेट फोर्स। तो कभी भी फ्री बॉडी डायग्राम में हम ये एम वी स्क्वायर बाय आर नहीं बनाते, इसी को आप सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हो, इसी फोर्स को ही आप सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हो, दिस फोर्स इज ओनली नोन एज सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी हम अपने फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं बनाते हैं, समझ में आ रही है बात, सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी हमें फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं बनाना है, ठीक है। तो जब आप इसको अर्थ से देख रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कि भाई इसमें एक फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का फोर्स, जो कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आप क्या इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, अभी इसकी इक्वेशन आप ऐसे लिखोगे, तो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो अगर आपका एम एम कैंसिल आउट हो गया तो वी कितना आ गया, रूट ऑफ म्यू आर जी। इनफैक्ट दिस इज इस रिलेशन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या ध्यान में रखना है कि ये दिस इज वॉट दिस इज, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से आपने ज्यादा कर दी, करेक्ट, अगर आपने इस वेलोसिटी से ज्यादा कर दी तो आपकी कार गाड़ी जो है वो कैसे क्या होगा, अभी ये फिर ये आपको फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड करता है, फिर आपकी गाड़ी जो है ना इधर पे चली जाएगी, मतलब इट विल स्लाइटली, आपने देखा होगा ना कभी कभी टर्न लेते वक्त क्या होता है, गाड़ी ऐसे जा रही है ऐसे आई गाड़ी जो है ऐसे आके ऐसे चली गई, तो फिर गाड़ी आपकी ऐसे चली जाएगी, फिर वेलोसिटी बहुत ज्यादा अगर हो गई तो, करेक्ट। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी आपकी, व्हाइल यू आर टेकिंग दिस टर्न दिस वुड बी योर मैक्सिमम वेलोसिटी। इसलिए जो लोग साइकिल चलाते हैं उनको मालूम है, या आपको भी क्योंकि साइकिल चलाने का एट मैक्स एक्सपीरियंस रहेगा, तो देखो आप जब साइकिल से टर्न लेते हो ना, करेक्ट, वहां पे ऑब्वियसली अदर चीजें भी इन्वॉल्व रहती,
तो देखो आपको आप बराबर वेलोसिटी को बैलेंस कर लेते हो, अगर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी बहुत फास्ट जा रहे हो तो यू नो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ही आप टर्न ले सकते हो, ज्यादा बढ़ा बढ़ा दी करेक्ट, ज्यादा कम कर दी टर्न नहीं ले पाओगे, लंबा टर्न आपको लेना पड़ेगा करेक्ट, या वेलोसिटी बढ़ा दी देन ऑल्सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू टेक अ टर्न। एक बराबर वेलोसिटी होती है जब आप उस पर्टिकुलर वेलोसिटी पर ही उस रेडियस का टर्न ले सकते हो। I don't know if you have observed this or not. ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे? तो ये जो velocity होगा, this will be mu r. So this will be the maximum velocity of this car, which you can kind of get it from here. ठीक है कि नहीं? ठीक है. Yes sir. ठीक है. तो ये ध्यान रखना, तो इस question से हमें दो चीजें समझनी है। पहली चीज तो ये कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एफ आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, दिस इज बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू एम ए व्हिच इज गिवन बाय एम वी स्क्वायर बाय आर, इट इज गिवन, इट इज, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया एफ आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और ये जो एफ आर है दूसरा पॉइंट, ये जो एफ आर है ये क्या है मेरा, दिस इज नेट फोर्स, मतलब अभी समझो एक पेंडुलम है, ठीक है, एक पेंडुलम है, ये ऐसे से घूम रहा है, ऐसे गया, फिर यू नो इट इज काइंड ऑफ टेकिंग अ टर्न लाइक दिस। तो क्या आप यहाँ पर बताओ, अभी यहाँ पर बताओ कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? यस बच्चों जल्दी बताओ यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? एफजी लगेगा, टेंशन लगेगा, ओके, एमजी लगेगा, टेंशन लगेगा, और एमबी स्क्वायर बाय आर लगेगा यहाँ पर? Yes, कोई कौन बताएगा एम बी स्क्वायर बाय आर लगेगा कि नहीं लगेगा? पीयूष बताओगे आप एम बी स्क्वायर बाय आर लगेगा कि नहीं लगेगा? पीयूष, ईशा, ओके, अवनी आप बताओ एम बी स्क्वायर बाय आर लगेगा यहाँ पे कि नहीं लगेगा? अवनी देश पांडे, एम बी स्क्वायर बाय आर यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes, sir. लगेगा? Okay, किस डायरेक्शन में लगेगा? सर ऊपर के। ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा। सही सही है, लगेगा कि नहीं लगेगा? सही बोल रही है अवनी कि नहीं? अरे बच्चों अभी तो मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको क्या बताया, एफ आर जो है विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या है, वो नेट फोर्स है ना, तो नेट फोर्स कभी थोड़ी ना इस पे लगता है, इस बॉल पे नेट फोर्स कभी थोड़ी ना लगेगा बच्चों। अभी मैंने आपको ये एग्जांपल भी दिया ना, अगर समझो यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो क्या यहाँ पे जो नेट फोर्स कितना हो गया, 6 न्यूटन, तो क्या यहाँ पे 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या यहाँ पे 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है? नो सर, यहाँ पे 6 न्यूटन का फोर्स थोड़ी ना लग रहा है, यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे जो नेट फोर्स है दैट इज 10 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन व्हिच हैपेंस टू बी 6 न्यूटन, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि यहाँ पे 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये मतलब थोड़ी ना हो गया इसका, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पर हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर का लग रहा है, यहाँ पर ये हम बिल्कुल भी नहीं बोलने वाले, ठीक है। इनफैक्ट इसकी जो इक्वेशन बनेगी कैसे बनेगी, कोई बता सकता है कौन सा फोर्स ग्रेटर होगा, टी का फोर्स ग्रेटर होगा या एम जी का फोर्स ग्रेटर होगा? चलो अच्छा बताओ यहाँ पर विच फोर्स इज ग्रेटर, टी इज ग्रेटर देन एम जी, टी इज लेस देन एम जी या टी इज इक्वल टू एम जी? ये सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, ये सर्कल में घूम रहा है, तो बताओ कौन सा यहाँ पे पार्ट से, ए बी सी, बताओ जल्दी से, देखो अभी ऑब्वियस सी बात है ना कि कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं अभी भी इसका आंसर, अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बोला कि एम बी स्क्वायर बाई आर जो है ये क्या है, नेट फोर्स है, नेट फोर्स कब लगता है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप क्या बोलोगे, 10 माइनस 4 बोलोगे ना,
टेन माइनस फोर बोलोगे, और अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कराने के लिए एक फोर्स लगना जरूरी है जो कि रेडियस के लॉन्ग लगना लगेगा, करेक्ट? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अगर मान लो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका जो इसको सर्कुलर पाथ में ले जाने के लिए एक फोर्स लगना इसमें जरूरी है जो कि रेडियस के लॉन्ग लग रहा होगा। ये एक एक्सिलरेशन इसमें रेडियल एक्सिलरेशन लग, रेडियल एक्सिलरेशन क्या करते हैं इसको सर्कुलर पाथ में लेके जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसमें इस पे एक रेडियल एक्सिलरेशन लग रहा होगा जो कि इसको सर्कुलर पाथ में लेके जा रहा होगा। समझ रहे हो बच्चों कि नहीं? करेक्ट। तो अब अगर मैं आपको बोल रहा हूँ इसमें रेडियल एक्सिलरेशन लग रहा है, मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ यहाँ पर एक्सिलरेशन ऐसे लग रहा है, कौन सा फोर्स बड़ा हो गया? ये वाला फोर्स बड़ा हो गया ना। तो अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एक रेडियल एक्सिलरेशन लगेगा ही लगेगा यहाँ पर, तभी ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में जाएगा। तो आप क्या समझोगे यहाँ पर, क्या बोलोगे आप, कौन सा फोर्स बड़ा है? टी वाला फोर्स बड़ा है। तो दिस इसका इनफैक्ट यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी। तो आप इसको ऐसे लिखते हो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग रेडियस, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग रेडियस। तो समेशन ऑफ फोर्स को तो नेट फोर्स बोलते हैं। देखो ऊपर मैंने यहाँ पर ये जो चिपकाया था, ये है ना सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। सी दिस, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज समेशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है ना, समेशन ऑफ फोर्सेस। सो समेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग रेडियस इज हाउ मच, एम वी स्क्वायर बाई आर, करेक्ट? ये होगा। और दिस इज एक्चुअली यहाँ पे रेडियस के अलोंग कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? टी लग, टी माइनस एम जी हो जाएगा, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, यही होगा आपका एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई क्या सब बच्चों को? इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई क्या? ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको देखो वेट कितने 150 बीइंग, मतलब ऑब्वियसली दिस इज द मास 150 केजी विद राइडर मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब कितना हो 36 किलोमीटर पर आवर को पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड, तो दिस इज 5/18, दिस इज 10 मीटर पर सेकंड, करेक्ट? टेक्स अ टर्न ऑफ रेडियस 30 मीटर्स, 30 मीटर का रेडियस का टर्न लेते हैं, व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द स्कूटर इज नीडेड टू मेक दैट टर्न पॉसिबल। तो हॉरिजॉन्टल मतलब वेलोसिटी तो सेम है, तो मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं लग रहा होगा, टेंजेंशियल फोर्स नहीं लग रहा है इसमें। ठीक है, तो ये जो है बच्चों यहाँ पे 36 मतलब 10 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी वो कैसी है, वो कुछ ऐसी 10 मीटर पर सेकंड, दिस इज मूविंग इन अ सर्कल लाइक दिस। ठीक है, और अभी ये जो रेडियस है ना यहाँ पर, रेडियस इज गिवन एट 30 मीटर्स, तो ऑब्वियसली दिस हैज टू बी 90 डिग्रीज, मतलब ये एक्चुअली पता नहीं है थोड़ा अजीब सा लग रहा है, सही कर देता हूँ। ठीक है, तो अब बस अब क्या करोगे यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लग रहा होगा, हॉरिजॉन्टल सम ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग अलोंग द सेंटर इज mv स्क्वायर बाय r। अब हमें क्या करना, भी ये कुछ भी कोई भी फोर्स लगाए, ये फ्रिक्शन लगाए या कुछ कोई भी कंपोनेंट नेचर का लगाए फोर्स यहाँ पर, हमें इससे मतलब नहीं, हमें बस इतना पता है कि नेट फोर्स जो होगा वो mv स्क्वायर बाय r होगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मास कितना है 150 केजी, वी कितना है 10, दैट इज ऑल इट दिस पर, रेडियस कितना है 30, इसको निकाल लोगे तो 500
ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है। तो अब बच्चों यहाँ पर आपको समझना है रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन कहाँ पे लगता है? रेडियल एक्सेलरेशन लगता है, यस वेरी गुड आदमी, ठीक है। तो रेडियल एक्सेलरेशन कहाँ पे लगता है? रेडियल एक्सेलरेशन लगता है रेडियस की तरह। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ लगता है? टेंजेंट की तरह, करेक्ट। तो पहले तो पहले रेडियल चलो निकाल लेते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन कितना था? वी स्क्वायर बाई आर। तो एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड वेलोसिटी कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकेंड होगी। तो रेडियल एक्सेलरेशन कितना हुआ? वी स्क्वायर कितना है? रेडियस कितना यहाँ पर? 1 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर पर। तो रेडियल एक्सेलरेशन इतना लगेगा वी स्क्वायर। अगर फोर्स पूछता तो आपको मास पता रहना चाहिए था, तो फोर्स के लिए मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन कर देते थे इसको ना। ओके, देन वी हैव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हाट इज दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? डीवी बाई डीटी, और नेट एक्सेलरेशन कितना? रेडियल पता है, टेंजेंशियल पता है भाई आपको? रेडियल पता चल गया भैया, टेंजेंशियल पता चल गया। नेट कितना हो गया? नेट हो गया AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। समझ रहे हो अपने इसमें? AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो ये मेरा नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन इज AR इज हाउ मच? 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 20 सेंटीमीटर। आप चाहो तो 2√5 लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। यस गुड गुड गुड, बच्चों का आ रहा है, वेरी गुड बच्चों। ओके बच्चों जल्दी बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को। Let's solve this question. देखो ये पेंडुलम का बॉब है आपका, ठीक है? This is the bob of a pendulum. Okay, so now this is, ये तो ऐसे मूव कुछ तो कर रहा होगा, ठीक है ना? This, ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा होगा, ठीक। So बच्चों इसके इस वाले पॉइंट पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? इस वाले पॉइंट पर देखो एमजी का फोर्स लग रहा होगा और यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स लग रहा होगा। If you want to see, I can show it to you in a simulation also. ठीक है ना? दिख रहा है बच्चों को? नहीं दिख रहा है यहाँ पर? ये मतलब पेंडुलम मूव, ये पेंडुलम है, दिस इज लाइक अ पेंडुलम, ठीक है? पेंडुलम तो कैसे से मूव कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? यस बच्चों कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? यस सर।
तो अब देखो जब ये अपनी मीन पोजीशन पर हो, मीन पोजीशन ये पोजीशन करेक्ट, यहाँ पर जब ये पेंडुलम ऐसा हो, ठीक है, जब ये पेंडुलम ऐसा होगा तब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर इसको स्पेसिट हो गया। तो देखो अब यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, क्योंकि सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, बिकॉज दिस इज गोइंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो व्हाट विल यू से हियर, आप ये तो बोलोगे ना कि आई होप सबको विजिबल है ना, यहाँ तो आप ये बोलोगे बट टेंशन फोर्स बढ़ा है, वेट, वेट क्या होता है, वेट तो एम जी होता है ना, टेंशन फोर्स क्या होता है, टी होता है, तो आप यहाँ पर बोलोगे T माइनस एम जी इज इक्वल टू वेलोसिटी, अगर मान लो वी है तो कितनी हो जाएगी, एम वी स्क्वायर बाई आर। अब सब वैल्यूज दिए कि नहीं दी गई है आपको, आपसे क्या पूछा गया है, लेंथ आपको दिया हुआ है, लेंथ यहाँ पे दिया है 1 मीटर, लेंथ मतलब ये हो गया रेडियस के बराबर है 1 मीटर, मास दिया गया 100 ग्राम, मास में 0.1 kg, स्पीड दिया गया 1.4 मीटर पर सेकंड, ओके, तो टेंशन फाइंड करना है, तो टेंशन कितना हो गया, ठीक है, और एम कितना है आपका, एम इज बी इज 1.4, वेलोसिटी 1.4 है ना, कितने मीटर, मीटर पर सेकंड ना, या अपॉन आर एस, इसको जल्दी से सॉल्व करो, ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं आई, करेक्ट, ओके, अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, जरा एक किसी का एक सब पॉइंट है वो देखते हैं जरा, ठीक है, चलो बच्चों बताओ इसका क्या आंसर होगा, ए बी सी डी में, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखो बच्चों एक चीज ध्यान रखो, अग जब भी आप किसी स्ट्रिंग को घुमाते हो ना, एक्चुअली पॉइंट में ऊपर ही बताने वाला था बट समहाउ स्लिप्ड फ्रॉम माय माइंड, देखो यहाँ पर हम इसको कैसे समझते हैं, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं गोल गोल सर्कल में, ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट को कैसे गोल गोल ऐसे, अभी देखा ना इस तरह का कुछ बच्चे खेलते हैं, इसे स्ट्रिंग कैसे गोल गोल घुमाते हो आप, तो जब भी आप इसको गोल गोल घुमाते हो बच्चों, तो टेंशन का डायरेक्शन क्या लगता है, हमेशा इधर की तरफ लगता है, करेक्ट, और आपकी वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू दिस, ये 90 डिग्री है हमेशा, ठीक है, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू दिस, मतलब वेलोसिटी इज ऑलवेज 90 डिग्री टू दिस दिस सर्कल, मतलब यहाँ पर अगर देखोगे तो वेलोसिटी यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री लगेगा, यहाँ पर देखोगे तो वेलोसिटी ऐसे कुछ नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी जो होता है और ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी इज ऑलवेज, ये जो स्ट्रिंग है टेंशन हमेशा इस डायरेक्शन में लगता है, इसीलिए तो देखो आपको ये वाला जो फोर्स है टेंशन का, इसीलिए तो इसको गोल गोल घुमा पा रहे हैं ना, आपका डायरेक्शन आप वेलोसिटी का क्यों चेंज कर पा रहे हो, बिकॉज स्ट्रिंग हैज सम टेंशन, अगर स्ट्रिंग को लूज कर दोगे, स्ट्रिंग को कट कर दोगे, तो वैसे जैसे स्ट्रिंग को कट करोगे टेंशन जीरो हो गया, अभी जीरो हो गया मतलब क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ऐसे भाग जाएगा यहाँ पे छोड़ के इसको, इसलिए अप्लाई टेंजेंशियली अगर इसको काट दिया आपने तो, एनीवेज तो जीरो तो पॉसिबल नहीं है, जीरो कभी नहीं होता है आंसर इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, तो अब अब क्या बोल रहा है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉब इज एट इट्स एक्सट्रीम पोजिशन, चलो देखते हैं अपने सिमुलेशन के पास जाते हैं दोबारा से,
तो मान लो इसका ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो ये है, ये मान लेते चलो एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है करेक्ट, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, दिख रहा है ना सब बच्चों को? ओके, तो ये अगर बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन हो गई तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वेट मतलब हो गया mg, ठीक है, तभी हमें mg को, तो ये थीटा इसको नहीं लेंगे, हम थीटा इसको ले लेंगे, इस एंगल को हम थीटा ले लेंगे अभी, ठीक है, लेट्स टेक दिस एंगल एज थीटा, ये स्ट्रिंग है आपकी, ठीक, तो इस mg को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में डिवाइड, एक तो देखो, एंड ऑब्वियसली अब एक्सट्रीम पोजीशन में एक और चीज होगी, एक्सट्रीम पोजीशन में इसकी जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी वोंट बी देयर एट ऑल, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी होगी नहीं इसके यहाँ पर, ठीक है, समझ में ही बात, क्योंकि तो पेंडुलम है ना, पेंडुलम एक्सट्रीम पोजिशन पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ओके, तो ये एम जी था हमारा, तो अब mg को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कि थीटा हो गया, दिस इज अनदर थीटा, सो अब इसको डिवाइड कर लो, इसको मतलब ब्रेक कर लो दो कंपोनेंट्स में, तो mg हो गया, तो ये हो गया mg cos थीटा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज mg sin थीटा, mg cos theta and mg sin theta, mg cos theta and mg sin theta, तो यहाँ पर दो components आ गए, तो अब obviously बात है ना, देखो mg sin theta वाला force इसको क्या करेगा, इसको इस direction में लेके जाएगा, mg cos theta वाला force अब tension के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम बोल सकते हैं tension is equal to mg cos theta, क्यों हम यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी velocity बच्चों zero हो चुकी है, velocity zero हो गई, then we can say this, correct, तो यहाँ पे sum of all the forces that are acting along radius, अभी ये zero ही है, क्यों zero है, क्योंकि यहाँ पर कुछ acceleration नहीं लग रहा, अगर velocity होती थी तो हम बोल सकते थे कि mv square by r होगा, but चूंकि यहाँ पे velocity ही zero हो गई आपकी, तो sum of all the forces acting along radius is also zero, यहाँ पर what will be the value of tension, T minus mg cos theta is equal to zero, T is equal to mg cos theta, ठीक है, अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख लो, so we just can put it like this, the summation of all the forces acting along the radius, it should be zero, yeah, it should be equal to mv square by r, यहाँ पे velocity is zero, therefore summation of all the forces acting along radius, which is actually equal to here T minus mg cos theta, देखो radius के along कौन कौन से forces लग रहे हैं, एक ये tension है और एक ये mg cos theta, तो T minus mg cos theta, this should be equal to velocity zero, तो ये भी zero, तो T is equal to mg cos theta, ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई, ओके चलो, तो आई थिंक विल एंड हियर, और नेक्स्ट क्लास में बैंकिंग ऑफ द रोड्स और पेंडुलम्स के बारे में और कोनिकल पेंडुलम स्पेशली, सो वी ऑल विल सी ऑल दैट थिंग इन आवर नेक्स्ट सेशन, आज के लिए इतना।